चलो लंग लुक्स का रिजल्ट देख लेते हैं। आप तो 30 डे जब यूज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लॉन्ग लुक्स कैप्सूल का रिजल्ट बताने वाली हूँ आफ्टर 30 डेज ऑफ यूज। जैसा कि आप देख सकते हो, लॉन्ग लुक्स कैप्सूल मेरे हाथ में ही है। तो और इस वीडियो में मैं आपका क्वेश्चन का आंसर भी देने वाली हूँ लॉन्ग लुक्स का रिलेटेड, जो भी इम्पोर्टेंट है। सब बोलते हैं ना कि डाइट अच्छी कर लो, एक्सरसाइज कर लो, अच्छे से 8 आवर्स का स्लीप ले लो, धूप में जाओ, लटक लो, और भी बहुत सारा कुछ बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरी है ये भी। लेकिन इस वीडियो में मैं आज आपको ये बताऊंगी, जो हाइट के बारे में 99.9999% लोग आपको नहीं बताएंगे, वो बताने वाली हूँ मैं। एक सीक्रेट है बस, और वो जो मैं बताने वाली हूँ वो लॉन्ग लुक्स या कुछ भी खाने का चीज़ नहीं है, और ये 0 का सीक्रेट है। और वो सीक्रेट मैं इस वीडियो का किसी भी पार्ट में बता सकती हूँ, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना। तो चलो लॉन्ग लुक्स का रिजल्ट देख लेते हैं। पहले जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी हाइट इतनी थी और इतनी बढ़ चुकी थी, और ये मेरा टारगेट हाइट मैंने खुद दिया हुआ है। आप 3 मंथ्स वाला कोर्स वाला लॉन्ग लुक्स नहीं देखे हो तो आपको नहीं पता चलेगा। तो आज हम देखते हैं कि इस लाइन से ऊपर होता है कि नहीं हमारी हाइट, कितना होता है आप तो 30 डेज। तो इतना कुछ फर्क नहीं आया, 1 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ा, मतलब इतना तो बहुत कम बढ़ा है, 0.5 सेंटीमीटर से भी नीचे होगा। देखो ये तो नहीं कह सकते कि बढ़ा ही नहीं है, तो 30 डेज या ये में इतना रिजल्ट शो नहीं करता होगा, इसीलिए तो 3 महीने का कोर्स दिया गया है। और 3 महीने में एक्चुअल में रिजल्ट दिखता है, मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। और हाँ, लॉन्ग माना कि लॉन्ग लुक्स बहुत एक्सपेंसिव होता है, मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने स्पीड हाइट हाइट बहुत सारा ले चुकी हूँ, लेकिन ये काम करता था इसीलिए मैंने लिया। तो चलो Q&A सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो लॉन्ग लुक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये तो फेक है, ये तो ऐसा है वैसा है। तो आपको फेक है पता है तो क्यों देख रहे हो वीडियो? देखने का कोई मतलब ही नहीं है जब आपको पता है कि ये फेक है। मेरे सिस्टर ने लिया था, ये फेक है, तो उसका रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि किसी का रिजल्ट नहीं आएगा, सबका बॉडी टाइप अलग होता है, सबका बॉडी टाइप अलग होता है। इसीलिए तो कोई मोटा, कोई छोटा, कोई नाटा, कोई बहुत लंबा होता है कि नहीं? कुछ लोगों को हाइट चाहिए नहीं, इतना लंबा रहता तो उल्टा छोटा होना चाहते हैं। आप सीरियस से सर्च मारोगे यूट्यूब पे तो हाइट डिक्रीज सबलिमिनल, सॉरी हाइट डिक्रीज वाला सबलिमिनल मिल जाएगा। तो सोचो आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, लेकिन मैनली होता है ना कि कॉन्फिडेंस चाहिए, इसलिए हमें हाइट चाहिए, तो इसलिए ये वीडियो है। तो हम तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की तरफ तो जा नहीं सकते, मतलब वो इंजेक्शन तो नहीं ले सकते ना। आप खुद जो जो लोग फेक है बोल रहे हो, आप लोग चाहते हो बढ़ाना, तभी तो मेरे चैनल पे आए हो, वीडियो देख रहे हो। ये तो कॉमेडी का चैनल नहीं है कि जो ये टाइम पास तो नहीं हो रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूँ। आपको जेन्युइन लगता है तो लगे, ना लगे तो ना लगे, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, मैंने लिखा हुआ है एक क्वेश्चन था आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, सब लोग पूछ रहे हैं कि दीदी आपने किसके साथ लिया लॉन्ग लुक्स को, तो या दूध या पानी, और किसी ने तो हद ही कर दी, बहन शराब के साथ लिए, सनी राज ने बोला है शराब के साथ। हाँ शराब पी लो बहुत अच्छा है, पी लो शराब के साथ ले। तो कैसे कैसे लोग आ जाते हैं मुझे समझ नहीं आता। तो किसके साथ लेना है, पानी या दूध? तो और ये नाश्ता करने के बाद लेना है या नाश्ते के पहले? तो ये नाश्ता करने के बाद लेना है आपको, ओके। और नाश्ते के बाद आधा घंटे के बाद आपको ये कैप्सूल खाना है। और आप अगर हाइट इनक्रीज पाउडर ले रहे हो तो उसको खाली पेट लेना है सुबह, खाली पेट दूध के साथ। और पानी या दूध जो भी ले सकते हो, लेकिन दूध अगर सुबह
नहीं पचता, वो एंजाइम हमारे बॉडी में सीक्रेट नहीं होता कि दूध, सुबह को जो दूध पचने वाला एंजाइम सीक्रेट नहीं होता, वो रात को ही सीक्रेट होता है, इसलिए रात को दूध पियो बोलते हैं। तो आप चाहो तो रात को ले सकते हो, अगर आप आपको लगता है कि हजम हो रहा है आपका, तो आप दोपहर में भी ले सकते हो, सॉरी सुबह को ले सकते हो, जब जब आप एक कर रहे हो। तो दूध पीना मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगी सुबह को, लेकिन आप रात को ले सकते हो। अगर आपको रात को भी दूध नहीं पच रहा तो कैल्शियम तो ज़रूरी है ना, दूध पीना ही चाहिए। तो आप गिंगर का पाउडर नहीं आता है जो अदरक का पाउडर सुनथी बोलते हैं, वो थोड़ा सा मिक्स करके पी सकते हो, उसमें आपको हजम भी हो जाएगी। रुको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ढूंढ लेती हूँ। तो मैंने सारा क्वेश्चन जो जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने लिख लिया है। डज इट रियली वर्क, मतलब हाँ मेरा रिजल्ट देख चुकी है थ्री मंथ वाला, आप देख चुके हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्क करता है या नहीं करता। लॉन्ग लुक्स का साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ लोग बोल रहे हैं एक्रोमगैली होता है क्या, उल्टी हो रही है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट्स का मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया, देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही विजिट करते हो मेरे चैनल को, तो आपको कैसे पता चलेगा। दीदी कैप्सूल के साथ कोई एक्सरसाइज करती थी क्या? उस टाइम थ्री मंथ्स में मैंने एक्सरसाइज तो ऐसा कुछ नहीं किया था सच्ची बताऊँ तो, लेकिन आपको करना है, श्योर करना है, एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। मैंने वो गलती की थी, वो आप लोग प्लीज़ मत कीजिएगा। कैन आई यूज़ दिस कैप्सूल इन माई पीरियड्स प्लीज़ प्लीज़ रेस्पॉन्ड। यस डियर, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बेफिक्री यूज करो, बेफिक्र यूज करो। जनक साहू, प्राइस कितना है इसका? इसका प्राइस है 499, लेकिन ये आपको 490 में मिल जाएगा। सोनी राज, मैसेज करके बताओ। देखो यार, सबको मैसेज करके बता नहीं सकती मैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ। तो शायद सनी राज जी को मैंने पर्सनली वीडियो बना के बताया था, फिर भी उनको इतना रेस्पेक्ट रास नहीं आई, तो मैं क्या कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेया डेब की तरफ से। कोई सिरप आपको मालूम है और पाउडर, एक्चुअली मैं कैप्सूल नहीं ले पाती, इसीलिए प्लीज़ सजेस्ट करो। तो आप हाइट इंक्रीज पाउडर मैंने शेयर किया है, वो ले लो। दीदी आप सही बोल रहे हो ना, सच में ये हाइट बढ़ाता है यार, डियर हाइट बढ़ाता है, कितना बार बोलो हाइट बढ़ाता है। 3 मंथ्स कोर्स वाला देख लो। दीदी मैं 25 साल की हूँ, मेरी हाइट बढ़ेगी क्या? दीदी मैं 25 साल की हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी हाइट बढ़ेगी क्या? तो डियर मैं गारंटी नहीं दे सकती कि आपका हाइट बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ लॉन्ग लुक से बढ़ाना चाहते तो हाइट नहीं बढ़ेगी, और भी कुछ करना पड़ेगा। और हाँ, मैंने एक वीडियो बहुत थोड़ा सा बड़ा है शेयर किया है, मैंने क्या क्या मेरा जर्नी शेयर किया, वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें। दीदी आप किस एज में इसको यूज किया? मैं जब 23 की थी तब से इसको यूज कर रही हूँ अभी तक। क्या 12 डेज में 1/2 इंच भी इंक्रीज हो सकता है? प्लीज़ रिप्लाई में। हो सकता है अगर आप ग्रोइंग एज में हो, मतलब आप 18 के नीचे हो तो आप बहुत तेज़ी से बढ़ोगे, लेकिन आप अगर 20-25 के हो तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगी आपकी हाइट। आई एम 17 हाइट 5'9" गोल 6'2" कैन आई ग्रो? ग्रो तो पूरा करोगे, लेकिन 6'2" ही करोगे ये नहीं बता सकते, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, उससे कम भी कर सकते हो। अभिषेक साहू, यूज करे या ना करे ये बताओ क्लियर। तो मेरे हिसाब से तो यूज कर लो, फिर भी आपकी मर्जी है, पैसा तो आपका ही है ना। 25 के अंदर हो तो यूज कर लो, नहीं तो मैंने इसका रिप्लेसमेंट भी बताया हुआ है, वो भी यूज कर सकते हो, हाइट इंक्रीज पाउडर। और रिमझिम एंटरटेनमेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ ये टेबलेट लेने से हाइट इंक्रीज होगा या मेडिसिन के साथ कुछ और भी करना पड़ेगा लाइक एक्सरसाइज यानी फूड? मेरी हाइट 4'7" है, एज 70 है, मैं ओनली ये मेडिसिन लूँ तो मेरी हाइट 5 फीट हो जाएगी 3 मंथ्स में, प्लीज़ हेल्प मी। और इसको कैसे लेना है? तो इसको पूरा मैं रिलेट कर सकती हूँ अपने ज़िंदगी से, इनका जो सिचुएशन था बिल्कुल मेरा ही सिचुएशन था। तो मैं उसका वीडियो में लिंक दे दूँगी, माय रियल हाइट इंक्रीज स्टोरी, या हाइट कैसे बढ़ा, मैंने कैसे हाइट बढ़ाया। मेरा भी बहुत स्मॉल था हाइट, तो मैं 20 साल के बाद हाइट बढ़ाई हूँ। तो वो चीज़ एंड स्क्रीन में भी मिल जाए और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सॉरी, मैं कल रात को बता नहीं पाई वो सीक्रेट, तो आज बता रही हूँ। आपको धूप लेना है, वो भी
पेट में और पीठ में, मतलब बेली में 5-10 मिनट और पीठ में 5-10 मिनट। बैकग्राउंड नॉइज के लिए प्लीज ये कर देना, सुबह का टाइम है। और हाँ, तो और उस टाइम व्हाइट कॉटन क्लॉथस पहनना, ब्लैक मत पहनना। और व्हाइट क्लॉथ पहनो तो अच्छा होता है सनलाइट में, आप धूप लेने जाते हो तो। और विटामिन डी एब्जॉर्ब वही जगह पे ज़्यादा होता है, तो आपको धूप लेना है तो आप मोस्टली, आप अब भी रिलेट कर पा रहे होगे कि लड़कों का हाइट इतना अच्छा क्यों होता है लड़कियों से, इसीलिए। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप बहुत लोग लड़के ही देख रहे हो इसको, क्योंकि लड़कों को बहुत ज़्यादा हाइट की ज़रूरत है, लेकिन लड़कियों का भी हाइट की ज़रूरत है। तो ये था, तो इस वीडियो को मैं और लंबा नहीं करूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, कोई नहीं देखता। तो जो जो क्वेश्चन है, बाकी का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी, क्या हुआ कि मैं ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन का दे चुकी हूँ और कुछ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पर्सनली भी रिप्लाई कर चुकी हूँ। और हाँ, हाइट का प्लेलिस्ट है वो भी नीचे दे दूँगी, उसमें सारे वीडियोज हैं, आप प्लीज़ जाके देखो तभी पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।